में एक परिवार का बीता हुआ समय दिखाना शुरू होता है, जहां एक अमीर परिवार देखा जाता है जिसका जीवन स्तर उच्चतम होता है। इस परिवार के लड़के को एक नौकरानी से प्यार हो गया है, वह उसे पसंद करने लगा और शादी करने की ख्वाहिश रखता है। जब वह उन्हें बताता है तो उसके परिवार के सदस्य नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। वे ये कहते हुए मजाक करने लगते हैं, आपको कौन सी चीज पसंद है? क्या आप नहीं जानते कि हम आपकी शादी का बंधन अमीर परिवार में बनवाएंगे? उस लड़के को और भी बुरा लगता है। वह अपने परिवार के कारण नौकरानी से शादी नहीं कर सकता और वह परिवार के दबाव में एक और कुलीन लड़की से शादी कर लेता है। इस पर नौकरानी दुखी है, उसका दिल टूट गया है। वह सोच रही है कि उच्च वर्ग निम्न वर्ग से विवाह क्यों नहीं कर सकता, क्या हम इंसान नहीं हैं? ये सोचकर वह एक दिन आत्महत्या कर लेती है, क्योंकि उसे भूलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। दूसरी ओर वह धनी परिवार अपने परिवार में सुखी था, उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही थी। उस दासी की माँ को यह देखकर बहुत बुरा लग रहा है। वह अपनी बेटी की मौत का बदला लेना चाहती थी। वह एक चुड़ैल है जो मंत्रमुग्ध करना जानती है और वह किसी को भी शाप दे सकती थी। अब वह उस कुलीन हवेली से बाहर जाती है। वह बोलना शुरू करती है, मैं तुम सबको शाप देता हूँ, आपके परिवार में नवजात बेटी सुअर का सामना करेगी, कोई उससे शादी नहीं करेगा, सभी लोग उसे अपनी अस्वीकृति देते हैं। उसी तरह वह अपने परिवार से चिढ़ जाएगी। वह उस समय तक चंगी नहीं होगी जब तक कि कोई उसे स्वीकार न कर ले, और यह अविश्वसनीय है। उसे कोसते हुए वह डायन टूटे दिल के साथ वहाँ से चली जाती है। अब देखने में आया है कि समय बीतता जा रहा है, कई साल बीत चुके हैं, और उस धनी परिवार में पीढ़ी के अनुसार हमेशा 5 बार लड़के का जन्म होता है। यह स्पष्ट है कि धनी परिवार अपने परिवार में से दुल्हनों का चयन करते थे। अब हाल ही में लड़के की शादी भी हो चुकी है और सभी उम्मीद कर रहे हैं कि उन्हें एक लड़का मिलेगा, लेकिन उनके घर में एक बेटी का जन्म होता है और वह ठीक वैसी ही है जैसी डायन ने श्राप दिया था। उसके कान और नाक सुअरों की तरह है। यह देखकर उसकी माँ डर जाती है, परंतु उसके पति ने उसे समझाया, हम शीघ्र ही इसका उपाय खोज लेंगे। वे उसका नाम पेनोलोप रखते हैं। बच्ची सुंदर है, लेकिन उसका चेहरा रहस्यमय दिखता था। उनका यह भी दावा है कि उनकी बेटी की प्लास्टिक सर्जरी हो सकती है तो उसके चेहरे को नया आकार दिया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं यह क्रिटिकल है। इसका मतलब है यह प्लास्टिक सर्जरी आगे नहीं बढ़ सकती है, इसमें पेनोलोप की जान का खतरा है। पेनोलोप के माता पिता दुखी होकर वहाँ से वापस लौट जाते हैं। यह तथ्य धीरे धीरे फैलने लगता है और यह ब्रेकिंग न्यूज़ भी बन जाता है कि सुअर के मुंह वाली लड़की पैदा हुई थी। सभी लोग उस अभिशाप को याद दिलाने लगते हैं, यह कुलीन परिवार को एक डायन द्वारा दिया जाता है। आज यह सच साबित हुआ है। एक दिन पेनेलोप की मां ने उसे उठा लिया, तभी एक मीडिया रिपोर्टर घर में प्रवेश करता है। दरअसल वह उस नन्हे बच्चे की कुछ तस्वीर लेना चाहता था, इसीलिए वह समाचारों में प्रसारित हो सकता है और लोग उस पर एक नज़र डाल सकते हैं, और यह पेनेलोप की मां की इच्छा नहीं थी। वह मीडिया रिपोर्टर की नज़र में आती है, इसीलिए वह डर कर भाग जाता है। अब पेनेलोप की मां एक गहरे विचार में लिप्त है कि हमारे घर में कोई गोपनीयता नहीं रही है। मीडिया भी इसी खोज में है कि वे किसी तरह से घर में प्रवेश कर सकते हैं, और उन्होंने जल्दी से उनकी बेटी की तस्वीरें लेते हुए फैला दी। वह बुरी तरह आहत थी तो वह एक विमान बनाती है। योजना थी कि वह लोगों के सामने ढोंग करेगी। उसकी बेटी पेनेलोप की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद कोई उसे परेशान नहीं करेगा, इसीलिए वे एक अंतिम संस्कार समारोह करते हैं और विलाप भी करते हैं, तो सभी आश्वस्त हैं कि उनकी बेटी नहीं रही। बाद में पेनेलोप की माँ ने अपनी बेटी को घर पर रखना शुरू कर दिया। वह उसे गहराई से प्यार करती थी, वह उसे घर पर ही पढ़ाती थी, उसने उसे सब कुछ सिखाया। पेनेलोप को बाहर न जाने पर भी हर तरह की सुविधा मिल जाती थी। पेनेलोप समय बीतने के साथ बड़ा होता जाता है। वह वर्षों तक बड़ी हो चुकी थी, उसकी माँ के उसके लिए परेशान थी, उससे कौन शादी करेगा।
लेकिन कभी उसने अपनी बेटी के साथ इसका जिक्र नहीं किया ताकि वह निराश ना हो। अब वह अपनी बेटी की शादी के लिए मैरिज ब्यूरो से संपर्क करती है। वह एजेंसी वाला व्यक्ति उसके लिए एक अच्छा मैच भेजता है। काश हर लड़का डरता था और जो उसे देखने आता था वह भाग जाता था। अब तक किसी लड़के ने उसे पसंद नहीं किया था। इसी तरह कई साल बीत गए और पेनेलोप अब साल का हो गया। पेनेलोप की माँ ने प्रत्येक प्रेमी से अनुरोध किया, यदि आप शादी नहीं कर सकते लेकिन कृपया जनता के सामने यह उल्लेख न करें कि हमारी बेटी जीवित है और वह यहाँ रहती है, इसीलिए उन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किए। लेकिन पेनेलोप की माँ इस बात से दुखी रहती थी, उनकी बेटी का क्या होगा? क्या एक और दिन एक लड़का आएगा जो पेनेलोप को देखने आता है लेकिन बहुत असभ्य है, वह समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करता है और उन्हें धमकी देता है, मैं बाहर के लोगों को सच्चाई ज़रूर बताऊंगा। अब वह लड़का बाहर जाकर सबको बताने लगा कि इस घर में सुअर के मुंह वाली एक लड़की रहती है। वह वहां जाकर पुलिस को रिपोर्ट भी करता है और पुलिस अधिकारी उस लड़के को यह कहते हुए पकड़ लेते हैं कि तुम बकवास कर रहे हो, हमारा समय बर्बाद मत करो। अगली सुबह वह लड़का बाहर आकर अखबार देखता है, उसके खिलाफ छापेमारी की गई है। वह लड़का सुअर के मुंह वाली लड़की के बारे में बकवास कर रहा है, कौन मौजूद नहीं है। वह लड़का प्रेस के पास जाता है और न्यूज़ प्रिंटर से कहता है कि क्या आप होश में हैं, आपने कौन सी खबर छापी है, क्या आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, आपको मेरे पिता के बारे में कोई जानकारी नहीं है, अब वह तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार करेंगे। वह मीडिया रिपोर्टर सुरक्षा अधिकारी को बुलाता है और कहता है उसे बाहर फेंक दो। अब सुरक्षा अधिकारी उसे बाहर ले जा रहे हैं, तब वह कहता है मैं अपना बदला लूँगा। एक और रिपोर्टर भी है, वह एक आँख है इसीलिए उसकी एक आँख पर पर्दा पड़ा है। दरअसल ये वही मीडिया रिपोर्टर थे जिनकी आँख पर पेनेलोप की माँ ने हमला किया था। अब वह उस धनी और व्यवसायहीन लड़के का साझेदार बन जाता है। यह सोचकर वे एक साथ उस सुअर सामना वाली लड़की को प्रकट करेंगे। अब एक आंख वाला रिपोर्टर जुआ घर जाता है जहां उसकी मुलाकात मैक्स नाम के एक लड़के से होती है। वह रिपोर्टर मैक्स से कहता है मुझे आपकी मदद चाहिए, मुझे एक कार्य में आपकी सहायता की आवश्यकता है, मैं इसके लिए भुगतान भी करूँगा। मैक्स सहमत है, उसे पूरी कहानी सुनाई जाती है कि लड़के उसे देखने जाते हैं तो कोई हो सकता है जो पेनेलोप से शादी कर सके, उसे लेना जारी रखे। मैक्स इससे सहमत है और वह दिन भी आ गया जब वह उससे घर लाने वाला था। उन्होंने उस जासूसी कैमरे को अपनी जैकेट में छिपा रखा था। जब वह उसको घर आता है वह देखता है कि उसके घर जा रहा है कि वहां अन्य प्रेमी भी हैं जो उसे देखने आए थे। जैसे ही पेनेलोप वहां दिखाई देता है तो मैक्स को छोड़कर सभी लड़के भाग जाते हैं क्योंकि वह जानबूझकर वहां आया था। वह क्यों भागा? आहत होकर पेनेलोप भी वहां से चला जाता है। वह अपने कमरे में चली जाती है, एक तरफ दर्पण है, वह अपने कमरे से बाहर देख सकती थी लेकिन उस शीशे के सामने खड़ा व्यक्ति अंदर नहीं देख सकता था। वह उस शीशे से देखती है कि मैक्स अभी भी नहीं गया है। वह उससे पूछती है तुम यहाँ क्यों हो? वह कहता है क्या तुम नहीं जानते कि मैं यहाँ क्यों आया? फिर वह एक किताब की जांच करने लगता है। पेनेलोप उससे कहता है जाते समय आप इस किताब को अपने साथ ले जा सकते हैं। फिर वह उसे दिखाती है कि जैसे वह वहां से चली गई है, लेकिन मैक्स फिर भी वहीं आ जाता है। पेनेलोप उसे देखते हुए कहता है तुम क्यों नहीं जा रहे हो? तब मैक्स उत्तर देता है क्योंकि मैं छोड़ना नहीं चाहता। पेनेलोप सोचता है कि वह शायद मुझे पसंद करने लगा है यह बात, और वह पहला आदमी है जिसने मेरे लुक को नापसंद नहीं किया। वह मैक्स से कहती है ठीक है कल फिर आओ। इसके बाद मैक्स निकल जाता है। पेनेलोप का परिवार बहुत उत्साहित है, आखिर हमारी बेटी को किसी लड़के ने पसंद किया है, और वे सभी आने वाले दिन के लिए बहुत खुश थे। दूसरी ओर मैक्स भी संतुष्ट है क्योंकि उसने उसकी तस्वीर ली थी। अगले दिन मैक्स फिर से तैयार हो जाता है और वह उसी स्थान पर जाता है जहां उन्होंने शीशे के जरिए आपस में बातचीत की। वे आपस में बातचीत करते हैं। अब मैक्स उसके लिए एक संगीत वाद्य यंत्र बजाता है और वह वन में मिरर के माध्यम से शतरंज का खेल भी खेलता है।
अब मैक्स उसके साथ आईने के माध्यम से बात करना शुरू कर देता है। वह उससे पूछता है, क्या तुम एक दिन मेरे साथ बाहर जाओगे? पेनेलोप उससे कहता है, नहीं, यह आसान नहीं है। फिर मैक्स उससे कहता है, ठीक है, मैं वापस घर लौट गया, मैं कल वापस आऊँगा। अगले दिन मैक्स के कोट में अभी भी एक हिडन स्पाई कैमरा है। आज वह पेनेलोप के लिए पियानो बजाना शुरू करता है। वह गलत तरीके से पियानो बजाना शुरू कर देता है। इस समय पेनेलोप उसके सामने प्रकट होता है और वह उसे सिखाती है कि पियानो ऐसे ही बजाया जाता है। इसका उपयोग कैसे करना है, यह मैक्स ने पहली बार पेनेलोप के चेहरे की झलक दिखाई। पहले तो वह यह सोचकर भी डरता और हैरान होता है कि वह सुअर है या इंसान। जब वह उसकी नाक को छूने के लिए हाथ उठाता है, फिर उसके कोट में छिपे हुए जासूसी कैमरे से फोटो बटन क्लिक किया जाता है। लेकिन मैक्स ऐसा नहीं चाहता था, क्योंकि वह पेनेलोप को बहुत ही मासूमियत से ले रहा था। फोटो गलती से लिया गया था। फोटो क्लिक होते ही मैक्स शब्दों का उच्चारण करता है, यह क्या हुआ? पेनेलोप बीमार महसूस करता है। वह सोचती है कि उसने शायद उसकी नाक देखकर ऐसा कहा है, और वह पूछता है कि यहाँ क्या है। पेनेलोप वहाँ से चला जाता है। मैक्स बुरा लगता है। वह पेनेलोप को समझाना चाहता था, लेकिन व्यर्थ, क्योंकि पेनेलोप बहुत निराश था। वह सोच रही थी कि मैक्स भी दूसरे लड़कों की तरह ही है। वह उससे कहती है वह उससे बात नहीं करना चाहती है। मैक्स वहाँ से चला जाता है। पेनेलोप इतना टूट गया था, क्योंकि अभी तक किसी ने उसे स्वीकार नहीं किया था। उसकी माँ उसे समझाती है, उसे एक और मौका दो। जब मैक्स जा रहा होता है, तो पेनेलोप की माँ उसे रोकने जाती है। जब वह देखती है कि वह रिपोर्टर से बात कर रहा है, उसे पूरा तथ्य मिलता है कि मैक्स उस रिपोर्टर द्वारा भेजा गया था और वह यहाँ सिर्फ फोटो खिंचवाने आया था। लेकिन मैक्स उसे फ़ोन करता है और कहता है कि नहीं, आज मेरा इरादा नहीं था, मुझे पेनेलोप से डर नहीं लगा। वह कहता है, यदि तुम अब भी मुझ पर शक करते हो तो मैं इस कैमरे को नुकसान पहुंचा सकता हूं। रिपोर्टर उससे कैमरा मांगता रहता है, लेकिन वह उसे नहीं देता है, वह तोड़ देता है। अब वह अंदर जाता है। पेनेलोप उसे समझाता है, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, बस मुझसे बात करने की कोशिश करो। पेनेलोप कहता है, ओह, अगर तुम सच बोल रहे हो, मुझसे शादी करोगी? क्योंकि सब डर के मारे मेरे पास से भागे हैं। मैक्स उसके सामने चुप रहता है। वह कहता है, विवाह मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। पेनेलोप कहता है, यह ठीक है, ये तुम्हारी गलती नहीं है, मुझे यह पता है। इसके बाद मैक्स निकल जाता है। पेनेलोप बहुत दुखी होता है और रोने लगता है। शायद यही मेरी नियति है, उसने फैसला किया कि मैं अब इस हवेली में नहीं रहूँगी, मैं भी बाहर जाकर अन्य लड़कियों की तरह जीवन व्यतीत करूँगी। क्योंकि वह भी सच नहीं सोच पा रही थी, उसकी कोई गलती नहीं थी। पेनेलोप ने अपना चेहरा ढक लिया और वह बाहर चली गई। वह बाहर जाकर तरोताज़ा महसूस करने लगी, क्योंकि उसने यह सब पहली बार देखा था। एक तरफ पेनेलोप खुशी महसूस कर रहा है, वहीं दूसरी ओर उसकी माँ परेशान हो रही है, कहाँ गई उसकी बेटी? पेनेलोप उससे बुलाते हुए कहता है, मैं अब हवेली में नहीं लौटूंगा, मैंने वहाँ कई साल बिताए हैं, अब मुझे बाहर रहना है और मैं यहाँ संतुष्ट हूँ। वह होटल में रहने लगता है। इससे विपरीत मैक्स भी उदास अवस्था में दिखाई देता है, क्योंकि उन्हें बुरा लगता है कि उन्होंने पेनेलोप को ठुकरा दिया। लेकिन वह दिल से बुरा नहीं है। अब एक आंख वाले रिपोर्टर को यह खबर मिलती है कि पेनेलोप अपना घर छोड़कर बाहर है। वह कहते हैं, यह कितना अच्छा है, अगर हम पेनेलोप की खोज करें तो वह उसे धनी लड़के के साथ उसका चित्र प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उस धनी लड़के ने उसे उसके वर्तमान युग में देखा है। सब स्केच तैयार हो जाता है, तो यह बहुत ही भयानक और अजीब लगता है। अब यह तस्वीर अखबार में लापता के बयान के साथ छपी है और इनाम का भी उल्लेख है, जिसके साधक को उच्च प्रतिफल मिले हैं। पेनेलोप को भी यह खबर मिलती है, जब वह देखती है कि उसके चेहरे को बहुत ही भयानक तरीके से उकारा गया है। वह उदास है। वह तय करती है कि वह अपनी हकीकत सबके सामने रखेगी। वह वहां जाकर अपनी फोटो क्लिक करने देती है और उसके उस एक आंख वाले रिपोर्टर को दे दिया। वह रिपोर्टर कहता है, उस फोटो को देखकर पेनेलोप बिल्कुल भी बुरा नहीं है, उसकी नाक अजीब है, वह स्केच बहुत ही भयानक है जो उस लड़के ने तैयार किया था। इस तरह जनता पेनेलोप को नापसंद करेगी।
अब वह वहाँ जाकर मैक्स को भी फोटो दिखाता है। मैक्स कहता है, मैं पहले से ही दोषी महसूस कर रहा हूँ कि मैंने उसके साथ दुर्व्यवहार किया है। अब उसे कदम उठाते देख मेरा दिल दुख रहा है। मैं हर शैतानी काम को छोड़ दूंगा। अब वह पियानो बजाना सीख रहा है। पियानो बजाते समय वह उसे याद करता है। दूसरी ओर पेनेलोप अपने जीवन में हर्षित महसूस कर रही है, प्राप्त की थी और जनता उसे पसंद करने लगी थी। दूसरी तरफ वही लड़का दिखाया गया है जिसने पेनेलोप का बहुत ही भयानक चित्र बनाने के लिए कहा था। पेनेलोप सब लोग उससे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। वह जवाब देता है, क्योंकि मैं उस समय बहुत डरा हुआ था। अब पेनेलोप को लोकप्रियता मिल गई थी, तो उसने उस धनी लड़के का पिता उससे कहता है, मेरा बेटा, आपको इस लड़की से शादी करनी होगी। वह इस शहर के मेयर का पद हासिल करने के कारण यह कार्रवाई कर रहे थे। अगर उनके बेटे ने इस लड़की से शादी की तो उन्हें जनता का पक्ष मिल सकता है। वह अपने बेटे पर जोर देता है, लेकिन वह धनी लड़का नहीं मानता। पिताजी, मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? लेकिन पिता के दबाव में आकर उसे राजी होना पड़ता है। फिर देखा जाता है कि मैक्स के वहाँ आने पर पेनेलोप पब में होता है। वह उससे विनती करता है कि मेरी बात एक बार मैं सुन लो, आपको गलती की है तो मैं इसे समझाने के लिए यहाँ हूँ। तब पेनेलोप कहता है, नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं अपने जीवन में संतुष्ट हूँ। आपने वह फोटो दिखाया जिसे आप दिखाना चाहते थे, चले जाओ। वह उसकी बात सुने बिना चली गई। अब उसके घर पर एक नज़ारा तब दिखाया जाता है जब वह धनी लड़का अपने घर लौटता है। वह अपनी माँ से कहती है, मैं पेनेलोप से शादी करना चाहती हूँ। पेनेलोप की माँ यह सोचकर उत्साहित होती है कि कोई उसे पसंद करता है। उसे क्या था पता कि पेनेलोप पूरी दुनिया को पसंद आने वाली है। वह अपनी बेटी को मना लेता है, लेकिन पेनेलोप कहती है कि यह वही है जिसने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है। पेनेलोप की माँ उसे समझाती है, मेरी बेटी, शादी का प्रस्ताव अच्छा है, तो पेनेलोप को हाँ कहना है। अब ग्रैंड पार्टी तय है। पेनेलोप और उस धनी लड़के के परिवार है। यह एक फैमिली पार्टी है जहाँ शादी की तारीख तय होने वाली है। उसी समय मैक्स वहाँ दिखाई देता है, जो पेनेलोप को समझाने आया था कि यह कुलीना लड़की कितना स्वार्थी है और शादी के एक मकसद से की जा रही है। लेकिन वह धनी लड़का उससे पहले उसका सामना करता है। उसने मना किया, मुझे पेनेलोप से प्यार है, अगर मैं उससे शादी नहीं करूँगा तो उससे कोई शादी नहीं करेगा। अब मैक्स बिना एक भी शब्द बोले उस जगह से निकल जाता है। वह यह व्यक्त करना चाहते थे कि पेनेलोप के लिए उनके मन में कितना प्यार है। उसका चेहरा देखकर पहले तो उसे चिंता हुई, लेकिन वह ऐसा नहीं चाहता तो केवल आकर्षण पसंद करता हो। अब एक आंख वाला रिपोर्टर वहां पहुंचता है। वह मैक्स से कहता है, मुझे पता है आप वास्तव में पेनेलोप से प्यार करते हैं, जबकि वह धनी लड़का नकली है। मैक्स कहता है, इसे जाने दो, वह मुझसे प्यार नहीं करती। क्या होगा अगर मैं प्यार में हूँ? इसके बावजूद उनका श्राप नहीं हटेगा, क्योंकि वह सोचती है कि मैं उसके लिए परफेक्ट आदमी नहीं हूँ। वह रिपोर्टर कहता है, चिंता मत करो, मैं लोगों के सामने हकीकत उजागर करूँगा और मैं पेनेलोप के दिल में आपका सम्मान बहाल करूँगा। अब वह रिपोर्टर वहाँ से जाता है जहाँ पार्टी हो रही है। वह पेनेलोप की माँ से मिलने के बाद कहता है कि लड़का है जो आपकी बेटी से सच्चा प्यार करता है, वह उस दिन उसे शादी के लिए मना कर रहा था। हो सकता है कि एक तरफ का प्यार श्राप को दूर करने के लिए पर्याप्त ना हो। लेकिन पेनेलोप की माँ कहती है, नहीं, पेनेलोप की शादी होने वाली है। मैं एक ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती जिससे मेरी बेटी को डिप्रेशन हो। लेकिन कौन जानता था, बेटी उत्साहित थी, अब शादी की रस्म शुरू हो चुकी थी, सब कुछ तैयार है और पेनेलोप ने भी अब दुल्हन की पोशाक पहन ली है। लेकिन वह शादी समारोह शुरू करने से पहले भाग जाती है। वह कहती है, नहीं, मैं किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं कर सकता जिससे मैं प्यार नहीं करता। उसने मुझे पहले खारिज कर दिया था और मैं जानता हूँ कि इसके लिए उसने अपना उद्देश्य होना चाहिए। मैं अपनी ज़िंदगी अकेले बिताऊँगा और मैं किसी का सहारा नहीं लेना चाहता। मैं खुद को पसंद करता हूँ, चाहे मैं कैसा भी दिखूँ। यह मेरी कमी नहीं है, बल्कि एक निशान है जो मुझे अलग बनाता है। इससे सब लोगों के होश खो बैठते हैं। जागते हुए वह देखती है कि उसकी नाक पिछली वाली की तरह नहीं है। उनकी नाक अब आम इंसान की तरह बेहद आकर्षक है। अब वह और भी सुंदर लगने लगी थी। अंत में यह श्राप यहाँ से हटा दिया है, क्योंकि यही इस श्राप का उपाय था। जब कोई उसे स्वीकार ना कर ले, उसकी वसूली नहीं होगी, भले ही वह खुद हो स्वीकार करती है।
अब पेनेलोप इस अभिशाप को हटाकर एक सामान्य इंसान में बदल गया था। अब वह और भी खूबसूरत लग रही है और यह ज्ञात है कि उस घर का सेवक दरअसल एक डायन थी जो पिछले कुछ सालों से वहां रह रही थी और वह सब कुछ देख रही थी। अब यह देखना गया है कि पेनेलोप एक स्कूल में शिक्षक के रूप में सेवा करना शुरू कर देता है। वह वहाँ बच्चों को बखूबी पढ़ाती है, फिर वह हेलोवीन उत्सव के लिए बारे में सोचती है। क्या उसने एक बार में मैक सुन लिया होगा? वह मैक से मिलने जाती है। वहाँ एक चल रहा है जहाँ सभी बच्चों ने पेनेलोप के चेहरे की तरह मुखौटे पहने हैं, उनके अतीत का चेहरा। इसका मतलब है सभी बच्चे पेनेलोप के पिछले चेहरे को पसंद करते थे और हाल के चेहरे को भी। पेनेलोप भी एक मुखौटा पहनता है और मैक से मिलने जाता है। वह वहां जाकर मैक से बात करने लगती है, फिर खुद को बेनकाब करती है। वह व्यक्ति नहीं था जो आपके शाप को दूर कर सके। पेनेलोप उसे बताता है कि मैं खुद वह व्यक्ति था, अब मुझे कोई अभिशाप नहीं है। देखो मुझे, मैं ठीक हूँ। जब किसी ने मुझे प्यार नहीं किया तो मैं आपके प्यार करने में लिए आभारी हूँ। फिर वे दोनों एक दूसरे को इसके साथ स्वीकार करते हैं। वे सुखी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। फिर देखने में आता है कि सुनने में भी आ रही है इस फिल्म की कहानी। यह दोनों स्कूली बच्चों को बता रहे थे और फिल्म इसी सीन पर ख़त्म होती है। देखने के लिए धन्यवाद।